इंडियन आर्मी ज्ञान में। दोस्तों आप सबको पता है कि सिख रेजिमेंट की भर्ती भी स्टार्ट होने वाली 22 तारीख के। पूरी जानकारी दूंगा सिख रेजिमेंट की भर्ती के बारे में। तो पुरानी जो वैकेंसी थी किन ज़्यादा किन की वैकेंसी रहती है, अदर की रहती है, यहाँ पे सिख वालों की रहती है, डोगरा की रहती है, जैकलाई की, किसकी है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है यहाँ पे हमने डाल रखी है। और जो इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारी वीडियोस डालने वाले हैं, मेरिट के बारे में, कैसे आपको एग्ज़ाम करना है, तो उसी के बारे में पूरी वीडियोस डालने वाले हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया कृपया टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिए, उसका लिंक भी नीचे मिल गया। तो यहाँ पर बात करेंगे सिख रेजिमेंट जो भर्ती होने वाली है 22 तारीख को, जो सिख रेजिमेंट की भर्ती है दोस्तों, ठीक है। जो भी अभी तक जिन्होंने यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए था, डायरेक्ट आप जा सकते हो। यहाँ पर स्पोर्ट्समैन जीडी की भर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिख रेजिमेंट का बेस्ट टाइमिंग आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ट्रैक कितना होता है और अदर का कितना चांस है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट रैली जो 22 जुलाई से स्टार्ट हो रही है 2021, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। तो अगली जो जानकारी आपको दूंगा यहाँ पे वो है ट्रैक को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों 4 राउंड भी लगते हैं और यहाँ पे क्या है एक सीधी रनिंग भी रहती है, ठीक है। सीधा कभी कभी होता है कि आपको राउंड वाली रनिंग करनी होती है और कभी होता है कि आपको सीधी मतलब रोड पे भी रनिंग होती है। तो इसका कोई भी अंदाज़ा अभी तक नहीं है, हालांकि दोनों जगह तैयार कर रखे हैं। अगर बारिश हो गई तो आपको सीधी रोड पर रनिंग भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना, ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पर रनिंग है वहाँ पर रनिंग नहीं है, ठीक है। तो अगली जो जानकारी हमारे पास अभी आपको दूंगा वो दूंगा बैच के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बता दूं कि जो बैच सिख रेजिमेंट का बैच रहता है वो रहता है कम से कम 100 से 200 के अंडर, ठीक है। 100 बच्चे भी कभी कभी दौड़ते हैं जिसमें कम से कम 50 बच्चे पकड़े जाते हैं। अगर 200 भी दौड़ रहे हैं तो कभी कभी 100 बच्चे भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। टाइम की बात करूँ तो दोस्तों टाइम 5:30 से लेके 5:45 तक प्रॉपर टाइम मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो ज़्यादा चांस रनिंग गए वो रोड पर है, ठीक है, रोड रनिंग होगी यहाँ पर। कोरोना रिपोर्ट आपको लेके जानी है कम से कम 4 दिन पहले की, आपके पास कोरोना रिपोर्ट होनी चाहिए। और अगली जो 5वीं नंबर जानकारी है वैक्सीन सर्टिफिकेट, दोस्तों बिना वैक्सीन आप एक सिंगल डोज आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, इसके बिना यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बता दूँ कि इसके बिना एंट्री भी बहुत मुश्किल है, आपके पास कोई ना कोई सिंगल डोज भी होने से भी काम चलेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी जानकारी देने वाला हूँ वो मेरिट को लेकर देने वाला हूँ, ठीक है, मेरिट को लेकर देने वाला। जो मेरिट बनती है वो कैसे बनती है वो भी आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। 100% फुल चांस है सभी के, अदर हो, अपना रिलेशन हो, किसी का भी हो, ये सिख रेजिमेंट और पंजाब, सिख पंजाब और सिखलाई रेजिमेंट, इन 3 सेंटर में जो भी बच्चा यहाँ पे एग्ज़ाम देता है 100% उसकी सिलेक्शन होती है। अगर एग्ज़ाम में आप 35 मार्क्स प्लस लेते हो, ठीक है, 35 मार्क्स आपने ले लिए तो आपकी सिलेक्शन 100% है। लास्ट जो रिजल्ट है 90% रिजल्ट आया दोस्तों, ठीक है, 90% रिजल्ट है। मेरे सेंटर के भी बच्चे हैं, उन्होंने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया तो सबकी सिलेक्शन हो गई थी, हालांकि उन्होंने सिर्फ 40 मार्क्स के ही पेपर किया था, लेकिन फिर भी उनकी सिलेक्शन हो चुकी थी, ठीक है। तो बहुत शानदार रिजल्ट आता है इस सेंटर का। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक।